Hello everyone, I am Jaspreet Singh and we will discuss the first topic of Indian economy, that is nature. हम इसके करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो what is economy? Economy is the sum total of all those activities which the resident either individually or collectively of a country perform in order to earn their livelihood. तो हर एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, तो इकोनॉमी का मतलब है कि उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनके सम टोटल को हम इकोनॉमी बोलते हैं. इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी. ये जो इकोनॉमी है ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन का एक सिस्टम होता है जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में अपना मेन किरदार निभाते हैं. इट डिटरमाइन हाउ द स्कैर्स रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए नेशन. इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि जो स्कैर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के उनको कैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इंडियन इकोनॉमी इट इज़ नॉट जस्ट स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इट rather it understand to analyze the cause and effect of problems related to the economic life. तो इंडियन इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट और फिगर की स्टडी नहीं है, हम इसमें लोगों की इकोनॉमी में जो सिटीजन्स हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में फैक्ट्स और फिगर की ही स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि इकोनॉमिक लाइफ में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या कारण और उनके क्या इफेक्ट रहेंगे इसे भी हम स्टडी करेंगे. इंडिया is the fifth largest economy with a GDP of $2.94 trillion. जो इंडिया है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसकी GDP जो है $2.94 trillion के बराबर है. ये फिफ्थ पोजीशन इन्होंने इंडिया ने 2019 में अचीव की थी जब इसने UK और USA को पीछे छोड़ा. तो इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी द साइज ऑफ इंडियाज़ GDP इज 10.51 trillion एक्सीडिंग दैट ऑफ जापान एंड जर्मनी. ड्यू टू इंडियाज़ हाई पॉपुलेशन इंडियाज़ GDP पर कैपिटा इन इज $2170. बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होने के कारण इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है जो कि $2170 है. इसका सोर्स है बिजनेस स्टैंडर्ड. नेक्स्ट नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सबसे पहला लो पर कैपिटा इनकम. भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है. अभी नीचे आपको एक मैंने टेबल शो किया है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो शो की गई है. जैसे कि USA की पर कैपिटा इनकम 62,886.8 जो $ के बराबर है. तो जर्मनी में 47,615 है, कनाडा में 46,234 है, फ्रांस में 41,469 है, जापान में 39,290 $ है, चाइना में 9,770.8 है और श्रीलंका में 4,102.5 है और इंडिया में $2010 हैं. तो इस तरह आप समझ सकते हो कि भारत में पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है. सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. भारत में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है लेवल ऑफ वेल्थ, लेवल ऑफ कंफर्ट, नेसेसिटीज एंड मटेरियल गुड्स अवेलेबल टू सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया रैंक 58th इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, परचेजिंग पावर इंडेक्स, हेल्थ एंड सेफ्टी इंडेक्स, सेफ्टी इंडेक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जो थी 2020 की
उसके अनुसार जो है भारत की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में रैंकिंग है वो 58th है, USA की 14th है, जापान की 16th है और UK की 20th है। तो दूसरी ओर जो भारत के लोगों का एवरेज डेली इनटेक है वो 2455 कैलोरीज पर डे है, जबकि USA और UK में रिस्पेक्टिवली 3414 कैलोरीज और 3614 कैलोरीज हैं। ये डाटा है आपका OECD 2015 का। तो थर्ड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भारत में जो इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। तो इंडियाज रिचेस्ट 1% होल्ड मोर देन 4 टाइम्स ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय 953 मिलियन पीपल हु मेक अप टू फॉर द बॉटम 70% ऑफ द कंट्री। तो आप कह सकते हो कि जो इंडिया के रिचेस्ट 1% लोग हैं उनके पास 70% पॉपुलेशन के बराबर जो से 4 गुना ज़्यादा वेल्थ है। वाइल द टोटल वेल्थ ऑफ ऑल इंडियन बिलियनियर इज़ मोर देन फुल ईयर बजट। तो इंडिया के जो फुल ईयर के बजट से ज़्यादा इन बिलियनियर्स की जो है वेल्थ है। टोटल वेल्थ ऑफ 63 इंडियन बिलियनियर्स इज़ हायर देन द टोटल यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19 का जो इंडिया का यूनियन बजट था उससे ज़्यादा जो है 63 इंडियन बिलियनियर की वेल्थ है। उस वक्त जो फिस्कल बजट था वो 24,42,200 करोड़ का जो था बजट था। तो इससे ज़्यादा धन जो है वेल्थ 63 पीपल के पास है। ये डाटा है इकोनॉमिक टाइम्स का जनवरी 2020 का। नेक्स्ट है एक्सेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। भारत में जो है 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का काम करती है और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है GDP में 16.5% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी तरह जो भारत में 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले किसान हैं वो 86% उनका हिस्सा है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट 29.6% इन GDP एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है GDP में अपना 29.6% योगदान देता है और ये इंडिया की लगभग 25% पॉपुलेशन को जो है रोज़गार देता है। तो इस इंडिया के कुछ जो स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हैं और कुछ जो है हाईली बैकवर्ड हैं। हाईली डेवलपमेंट जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हाईली बैकवर्ड जैसे कि बिहार, नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो नेक्स्ट है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो सबसे ज़्यादा है। इट इज़ 7.78% इन रूरल एरियाज एंड 7.37% इन अर्बन एरियाज। टोटल जो है 7.78% है जबकि रूरल एरिया में 7.37% है और अर्बन एरिया में जो है वो 8.65% अनएम्प्लॉयमेंट की दर है। ये नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 4-5% के आसपास होती है उससे बहुत ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड अराउंड 20 करोड़ पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड। तो लॉकडाउन के पीरियड में तो ये स्थिति और भी ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 12 करोड़ जो लोग हैं वो अपना रोज़गार खो चुके हैं जिसमें से 2 करोड़ लोग वापस लॉकडाउन के बाद जो है अपने काम पे जा चुके हैं। नेक्स्ट है लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भारत में जो रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवेज हैं वो प्रॉपरली अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए। नेक्स्ट है लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल। अच्छी खुराक ना होने के कारण, अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल ना होने के कारण जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी लो है, जिसके चलते उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, जिसके चलते ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। नेक्स्ट है लेस डेवलप्ड
डेवलप्ड सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, उनकी पहुंच जो है अभी भी बैकवर्ड एरियाज और रूरल एरियाज में ज़्यादा नहीं पहुंची। नेक्स्ट है डुअल स्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इंडिया में दो तरह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, एक जो हाईली डेवलप्ड है, दूसरा जो हाईली अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड सेक्टर जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बिजनेस हाउसेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, और जो सबसिस्टेंस लेवल मतलब बैकवर्ड सेक्टर है वो है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, लाइसेंस सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है। तो हर एक सेक्टर की अपनी अपनी जो है पहुंच है, हर एक सेक्टर के लिए जो है आइटम्स को रिज़र्व किया गया है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर जो है उनके लिए नीचे दी गई आइटम्स रिज़र्व की गई हैं, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वारशिप्स, एटॉमिक एनर्जी, कोल एंड लिग्नाइट, मिनरल ऑयल्स, माइनिंग ऑफ आयरन और मैगनीज और क्रोम और जिप्सम, सल्फर, गोल्ड, डायमंड, माइनिंग ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, टिन, मिनरल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक सेक्टर के लिए ही हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है काम नहीं कर सकता। दूसरा सेक्टर है लाइसेंस सेक्टर, इसमें 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बट उसके लिए इसे लाइसेंस लेना होगा। ये है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड हजार्डियस केमिकल्स। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, जो बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन है, कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इसे चला सकती है। और आखिरी है एमएसएमई। एमएसएमई में 350 आइटम्स को रिज़र्व किया गया है जो कि सिर्फ एमएसएमई ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था आपका नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।